बचपन पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे अपने रब्बानी खताती मरकज पर अल्हम्दुलिल्लाह गुल अय्यूबी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। गुल अय्यूबी साहब इससे कबल भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ला चुके हैं और तलबा और तालबात की रहनुमाई कर चुके हैं। आज भी हमारे यहाँ पर हमारे खताती मरकज में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं जो खताती सीख रहे हैं, किताबत सीख रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग को खुशखत बनाने की कोशिश में सरगर्दा है। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आती है, हमारे रब्बानी खत्ताती मरकज में आती है, तो ये हमारे लिए बाईस सद इफ्तिखार बात है कि गुल अय्यूबी साहब जैसी शख्सियत जो है, जो एक मारूफ खत्तात है, आपने न सिर्फ उर्दू जबान में नस्तालिक में आपने काम किया बल्कि आपने अरबी जबान में भी बहुत जबरदस्त कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं और मुख्तलिफ इलाकों न सिर्फ मालेगांव शहर, ना सिर्फ जिला नासिक, ना सिर्फ रियासत महाराष्ट्र, ना सिर्फ हमारा हिंदुस्तान मुल्क यहाँ की रियासतें, बल्कि बैरून मुल्क से भी आपको इजाजत से नवाजा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बताने में फख्र महसूस होता है कि मालेगांव शहर के लिए ये एजाज की बात है कि गुल अय्यूबी साहब जैसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है और अपने फन से, अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ, अपनी मुनफरिद गुफ्तगू से, अपनी मुनफरिद बातों से अपना लोहा मनवा रहे हैं। आइए, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं गुल अय्यूबी साहब को आपके रूबरू करता हूँ। मैं एक सवाल करना चाहूंगा गुल अय्यूबी साहब आपसे कि आप इस शोबे में, खत्ताती के शोबे में आपका कदम, आपने किस तरह से कदम रंजा फरमाया खत्ताती के शोबे में? देखिए, ये इसकी इब्तदा सन 1972 स्कूल छोड़ने के बाद, जमूरा स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। 8वीं के बाद मैंने स्कूल छोड़ दी थी, बाद में जो है 70 नंबर से मैट्रिक वगैरह की। अच्छा, स्कूल छोड़ने के बाद जो है मुझे, क्योंकि सुम जमात में अच्छी राइटिंग की वजह से बड़ी सराहना हुई थी और मेरे आसपास की जितनी क्लासें थी सब में मेरी कॉपी को दिखाया गया था। उस वक्त तो हमारे पड़ोसी टीचर जो थे, ये हमारे ला तकनतों के मुसन्निफ, क्या नाम है, मुकीम असर ब्यावली, मरहूम मुकीम असर ब्यावली साहब, हमारे बाजू की क्लास में टीचर बहसियत मुआविन मुदर्रिस काम कर रहे थे और हमारे उस्ताद जो थे हाफिज खुर्शीद अहमद साहब किला के, ये हमारे क्लास टीचर थे और वो तारीख का सबक पहले तख्ते पर लिख कर जाया करते थे और बच्चों को उसकी कॉपी करने को लगा दिया जाता था। तो गालिबन असर का वक्त था, वो नमाज के लिए गए थे और बाजू में मुकीम सर को बोल के गए थे कि आप जरा राउंड मार दें। अब वो जिस वक्त राउंड मारे तो कुछ बच्चे जो मेरे पीछे मस्ती कर रहे थे उनको डांटते हुए हमारे पास आए और वो उसके लोगों के ब्याजे देखने लगे, लपेट में मेरी कॉपी भी आ गई जी। अब वो अच्छी राइटिंग की वजह से बड़ा खुश हुए और वो तख्ते के पास जाके पूरी क्लास को मेरी ब्याज उठाकर उन्होंने बताया। बाद में अपनी क्लास में भी जाकर जो है उसको बताया गया ऐसा लिखना चाहिए। क्या बात है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा लिखने से ऐसी इज्जत मिलती है जो टीचर को भी नहीं मिलती। क्या बात, यानी टीचर भी जो है बच्चे की क्लास, बच्चे की ब्याज लेकर फख्र से उसको दिखा रहा है, तो अच्छा लिखने की तरफ रगबत का ये पहला वाकया था। बहुत। और उसके बाद फिर मैंने अपने सफर को जारी रखा। ये बहुत ही बेहतरीन बात बताई मोहतरम गुल अय्यूबी साहब ने कि एक टीचर जो है वो बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ होता है और वो बच्चों में तो सलाहियत अल्लाह ताला वदियत करके ही भेजते हैं दुनिया में, लेकिन बच्चों को इसका इल्म नहीं होता कि उनके अंदर क्या सलाहियत है। ये टीचर ही होता है, ये एक उस्ताद ही होता है जो बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके उस्ताद ने, चाहे वो बाजू की क्लास के उस्ताद रहे हों, लेकिन उन्होंने जब देखा कि गुल अय्यूबी साहब इतना बेहतरीन लिखते हैं तो उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, पूरी क्लास में ही नहीं बल्कि अपनी क्लास में भी जाकर उस बयास को बताया और यहाँ से जो है इनके अंदर ये तहरीक पैदा होती है कि किस तरह से हमें अच्छा लिखकर जो है हमारी हौसला अफजाई, हमें तालियां भी मिल सकती है, हमें अच्छे अल्फाज भी, अच्छे कलमात से भी नवाजा जा सकता है, हमें इनामात से भी नवाजा जा सकता है। और बच्चों को क्या चाहिए,
बच्चों को यही चाहिए, यही मोटिवेशन, यही तहरीक जो है बच्चों में बहुत जबरदस्त इनकलाब पैदा करती है। और इनकलाब की एक शक्ल जो है वो हमारे गुलायुबी साहब की शक्ल में आज हमारे दरमियान पे ये मौजूद है। आज उम्र के इस पैराए में इन्होंने अपने बचपन की गालबन तीसरी जमात की बात बताई है आपने, ये यकीनन बड़े फख्र की बात है, बहुत एजाज की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप जो है ये खुशखती किस तरह से यानी हमारे आज के बच्चों में आ जाए, उस वक्त जिस वक्त आपके अंदर वो चीज थी और आपने जैसे भी फिर उसके बाद जो भी असातिज़ा से रहनुमाई ली सीखा, आज के बच्चों में ये चीज किस तरह से आई? देखिए उस वक्त उसके बाद फिर हमारे मोहल्ला बेलबाग में नई मस्जिद है जी। मैं नई मस्जिद आप आज भी है, वहाँ के पेशमाम साहब थे मरहूम हाफिज शमसुद्दुआ साहब, ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं और मैं इनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। और इन्होंने मुझको मेरी सलाहियतों को शायद पहचाना और अपने साथ उन्होंने रखना शुरू किया और ताद हमें मर गए मैं उनके साथ रहा और उन्होंने बहुत ज्यादा हौसला अफजाई फरमाई। अच्छा लिखने का काम वो खुद भी करते थे और अपने ही कलम दवात से उन्होंने मुझसे अच्छा लिखवाने की कोशिश की, अरबी वगैरह वो लिखते थे और उनके साथ बैठकर मैंने अरबी लिखना शुरू की। और उसके बाद मौलाना यावर हुसैन साहब मरहूम जो माद मिल्लत के गरीब भी थे और कलर तो भी थे और बाद में बैसल ट्रांसलेटर वो सऊदी जो है कॉन्सुलेट में काम करते काम हुए काम किया उन्होंने और ताद हमें मर गए उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बाकायदा किताबत की तरफ लाने वाले मौलाना यावर हुसैन साहब थे और उन्हीं की, इसलिए मैं उनको अगर उस्ताद यानी किताबत का उस्ताद अगर मानता हूँ। हालांकि मैंने उनसे सीखा नहीं है ना उन्होंने मुझे सिखाया है, लेकिन एक उस्ताद सिर्फ वो अलिफ पे सिखाने से ही उस्ताद नहीं होता, बल्कि उन्होंने मेरे ऊपर बाकायदा खत्ताती की तरफ रगबत के लिए जितने उस्तादाना सलाहियतें दी उसको जो है जेरे इस्तेमाल लाते हुए मुझ पर मेहनत की और इस फन में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की। इसलिए वो बाकायदा मेरे उस्ताद नहीं होते भी होते हुए भी मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, वरना कोई और ये जरूरत नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि कोई मेरा उस्ताद है, लेकिन मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ और मैं उनका ऐसा शागिर्द होता कि जो जब तक वो जिंदा थे मैंने उनके आगे हमेशा अपनी जबान बंद रखी, उन्होंने जो कहा चुपचाप सुना और उस पर अमल किया और उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि अपने हर काम को आखिरी शाहकार समझ कर करो, कि गोया ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद तुम नहीं कर सको, इतनी मेहनत करो कि वो साकार हो जाए। उन्होंने एक जुमला ये कहा था और मेरी सीटी जो साड़ी कार्ड वगैरह के लिए पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है उसके लिए उन्होंने एक जुमला कहा था कि तुम अब कोई ऐसा काम करो अपने काम को लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीज बना दो, लोग तुमको खुद जिंदा रखेंगे, तुमको खुद जिंदा रखने के लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका नतीजा है वो सीडी है, अब हर कंप्यूटर पे चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो मेरी सीडी जो है मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं और इस पर मैं कोई फख्र नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझसे काम लिया वो कि मैं इस लायक नहीं था, ना पहले था ना आज हूँ ना अंदर रहूँगा, मैं हमेशा शागिर्द हूँ, हमेशा सीखने वाला हूँ और सीखने वाला ही रहूँगा। उस्ताद बनना मुझे पसंद नहीं है, उस्ताद बनेंगे सवाल आ जाएगा, कमाल आएगा सवाल ना, कमाल आएगा ना सवाल है, यकीनन कमाल ही कमाल है गुलायुबी साहब की बातों में भी, उनकी शख्सियत में भी और जिस खाकसारी जिस इनकेसारी जिस आजजी का वो यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, ये एक उस्ताद का ही कमाल है, ये एक उस्ताद ही कर सकता है जो अपने आप को तालिबे इल्म गर्दानता है। मैं खुद भी अपने आप को आफाकी तालिबे इल्म ही बोलता हूँ लेकिन मैं उस्ताद के दर्जे पे छू भी नहीं सकता, मैं वो तो खैर मेरी बातें जाने दीजिए, लेकिन गुलायुबी साहब की बात चल रही है। मैंने इनसे सवाल किया था कि ठीक है आपने तो ये खत्ताती का फन सीखा, अपने उस्ताद को आपने उस्ताद जाना, उनको माना, चाहे वो माने ना माने आपको शागिर्द, लेकिन उनकी बातों को आपने ग्रह में बांधकर जिस अंदाज से अपने आप को संवारा सजाया बनाया, जिस अंदाज से आपके अंदर वो फनकाराना सलाहियतें यानी उसकी सलाहियतें बढ़ती गई,
बिल्कुल वही चीज मैं चाहता हूँ कि आज के तलबा में भी आए, और मेरा सवाल यही था आपसे कि आज के तलबा में ये शौक, ये ज़ौक और ये जो चीज़ है वो किस तरह से पैदा की जाए। मैं मतलब और चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। मैं उसको यूँ कहूँगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंतहाई कम वक्त में और कायदाना सलाहियत के, यानी खताती में किताबत में कायदाना सलाहियत के मालिक हो जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि खुशखती सीखने में सिर्फ वो सफा भरना जरूरी नहीं है, सफा भरने को किताबत नहीं कहते जी, गौर से सुनो, बल्कि समझ कर दो ही लाइन लिखना, लेकिन समझ कर लिखना, ये अगर हम अपने बच्चों में इस सलाहियत को पैदा कर दें तो वो पूरा सफा लिखने तक उस्ताद बन जाए। क्या बात, दो ही सतर अगर वो लिखे, हर रोज सिर्फ दो सतर लिखे, बाकी सफा खाली भी रहे, लेकिन वो दो सतर एकदम जगाने रोजगार रहे, शाहकार रहे, तो वो बच्चा इंतहाई कम वक्त में आगे जाएगा। दूसरी इनके बनिस्बत जो लोग सफात भरते हैं, वो सफात भरते ही रहते हैं, ब्याजें काली होते रहते हैं, और वो गधे को 10 साल नहला गधा ही कहला नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा लिखें और हमारे बच्चे अच्छा लिखे, तो उनको हमको इस बात पर जोर देना है कि बच्चों चाहे एक ही दो लाइन लिखो, लेकिन एकदम ऐन वैसा ही लिखो जैसा उस्ताद ने बताया। बहुत ही अहम नुक्ते पर यहाँ पर रोशनी डाली है गुलयुबी साहब ने। यहाँ पर जो मौजूद है बच्चे, ये इस बात को समझें, समझने की कोशिश करें कि आपको एक सफर लिखने को अगर कह दिया गया तो एक सफर लिखने के पीछे पड़ मत जाइए। आप एक लाइन लिखिए, लेकिन इतनी अच्छी लिखिए कि जो उस्ताद ने लिख कर दिया उससे बेहतर आपका लिखा हो, उससे बेहतर आपका हो जाए, तो यकीनन आप बहुत जल्द जो है खत्ताती के शोबे में अपना नाम बना सकते हैं, हैंड राइटिंग आपकी बेहतर की जा सकती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बात बताई। मैं एक जानना चाहूँगा कि ये बच्चों के को आप सामने रखते हुए बात करें कि ये जो खुशखती का जो मरहला है, जो हैंड राइटिंग है, वक्त की जरूरत है। आज हमारे बेशतर तलबा जो है इससे बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, उनको ना हरूफ की समझ है, ना किस तरह से बनाते हैं वो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि अगर ऐन देख कर जो है वो इस तरीके से बनाते हैं तो उनकी राइटिंग में सुधार आ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने तजुर्बात की रोशनी में, आपने जो पूरी जिंदगी इसमें बिताई है, तो आप कुछ ऐसी नसीहतें तलबा को कर दें कि वो जो है आने वाले दिनों में जो है वो अच्छे खुशनवेज बन सके, अच्छे लिखारी बन सके, और उनकी हैंडराइटिंग जो है वो लोग देख कर जो है आश्वस्त करो। देखिए, इसके लिए जरूरी होता है कि अगर बच्चा बाशऊर हो और पढ़ने के काबिल है, मुताले का शौक है, तो मुतालिया खुशखत लिखने के साथ मुतालिया बहुत जरूरी है। वरना आप अखबार में देखिए, रियाज लिखा रहता है, प्याज लिखा रहता है। तो सिर्फ वो अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा मुतालिया भी जरूरी है। अगर अच्छा मुतालिया करके, जिसको मौलाना अनीस मिल्ली ने एक मरतबा कहा था कि समझ कर लिखने वाला कातिब, कातिब यानी नक्काल, समझ कर लिखने वाला कातिब धीरे धीरे आलिम हो जाता है, और सिर्फ नकल करने वाला कातिब वो गलतियों का पुलंदा होता है। वो रियाज को रियाज लिखेगा, रियाज को रियाज लिखेगा, प्याज को प्याज लिखेगा, उसको समझ ही भी नहीं आएगा कि तालम टोल कैसे लिखा जाएगा, है ना, वो नागपुर कैसे लिखा जाएगा, नाग इधर लिखेगा, पूर अगली लाइन में लिखेगा, तो नाग दूसरा नाग हो जाएगा, पूर सैलाब वाला हो जाएगा। नहीं, जबानदानी भी आना चाहिए, इसके लिए मुतालिया भी जरूरी है, अच्छा लिखना भी आना चाहिए, अच्छा मुतालिया भी रहना चाहिए, जबानदानी की मालूमात रहना चाहिए, जुमला बंदी की मालूमात रहना चाहिए। हमने अपने जमाने में अच्छी किताबों का मुतालिया किया, और किताबों के मुताले की देन है कि हमारे अल्फाज, आपको खुद ही अंदाजा लगता होगा जिन जिन अल्फाज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाता होगा तो मुतालिया कुछ ना कुछ है हमारा, थोड़ा बहुत जो भी है। यकीनन बहुत ही अहम बात बताई है गुलयुबी साहब ने कि मुतालिया अशद जरूरी चीज है, और मौजूदा दौर में तो बेपनाह जरूरी हो जाता है कि हम न सिर्फ हमारे माजी, जो हमारी तारीख है, उसका मुतालिया करें, बल्कि हमारे हाल में जो सारी चीजें जारी हैं उसका भी हम मुतालिया करें, और उसी दोनों चीजों से हम मुस्तकबिल का अंदाजा लगाएं कि भाई हम कहाँ हैं और हमें कितनी जरूरत है तालीम की और इल्म की।
बेपनाह मैं शुक्रगुजार हूँ लिगवी साहब का, जो इतनी कारामत बातें जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल से वो गाहे गाहे आकर यहाँ पर हमें मुस्तफीज करते रहते हैं, अपनी मुफीद बातों से हमें न सिर्फ मुस्तफीज करते हैं बल्कि मुस्तफीद भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम इन्हीं से सीखते रहे हैं। आपने एक मरतबा कहा था कि जो पढ़ा वो आगे बढ़ा, मैं उसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से बातें पेश करता हूँ अपनी तकारीर में। उन्होंने कहा था जो लिखा वो टिका, यानी मौजूदा दौर में जिसको लिखते आ गया वो मौजूदा दौर में टिक जाएगा। इस बात को लेकर भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बातें कर लेता हूँ। और इन्होंने कहा था जो बोला उसने तरक्की के दरवाजे को खोला, और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इंटरव्यू लेने जिससे बात करनी होती है मैं उससे ज्यादा मैं बोल लेता हूँ। तो इस तरह से जो यानी ठीक है, ये एक तर्ज है हमारा जो आप लोग देखते रहते हैं, आप लोग इसकी सताइश करते हैं, सराहना करते हैं, हमें मशवरों से नवाजते हैं, हमारी एक तरह से हौसला अफजाई भी करते हैं, हमारी हम पर इस्लाही तनकीद भी आप करते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहें, सब इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी बातों को अगर आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये यकीनन आपके लिए भी एक तरह से मुफीद होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक मतलब फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए, हमारे प्लेटफॉर्म रब्बानी खताती मरकज़ पर आप तशरीफ़ लाए, हमारे तलबा की आपने रहनुमाई की, और आज अवामुन्नास की रहनुमाई भी हमारे इस चैनल के जरिए से कर रहे हैं। आप इसी तरह से आते रहें और हमारी रहनुमाई करते रहें। शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले बच्चे हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे लायक मुबारकबाद हैं। अगर वो तवज्जो के साथ सीखते हैं तो जनाब रिजवान रब्बानी साहब की मेहनत रायगा नहीं जाएगी, और आपका मुस्तकबिल भी रायगा नहीं जाएगा। क्या बात, आप खुद भी अच्छा लिखेंगे, आपके दोपहर रब्बानी सर भी और अच्छा लिखना सीख जाएंगे और अच्छा लिखना सिखाना भी सीख जाएंगे। क्योंकि ये बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है, जितने ज्यादा बच्चे आते हैं सिखाने वाले को उतना तजुर्बा हासिल होगा, और वो अपने नित नए तजुर्बे को नई आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते रहता है। लिहाजा बच्चे अच्छा सीखते हैं और काबिले मुबारकबाद होते हैं, आगे चल के नामवरी हासिल करते हैं, तो उसके साथ साथ टीचर की भी नामवरी होती है, और टीचर का भी फर्ज है कि क्लास के अलावा भी अलग से भी टाइम निकाल कर सिखाने के लिए क्या मेहनत ज़रूरी है उस पर भी काम टीचर को भी करना चाहिए कि अब मैं कल के आइंदा क्लास में बच्चों को कैसे सिखाऊंगा गया और अच्छा सीखेंगे। ये टीचर का भी फर्ज है कि बच्चों पर जिस तरह मेहनत होती है कि आप घर से अच्छा लिख कर लाओ, तो टीचर को भी घर से अच्छा सोच कर आना चाहिए कि आज मैं ऐसे लिखना सिखाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ है आप बराबर लगी हुई, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कैसे बच्चे पैदा होंगे, आगे आगे निकलेंगे, और टीचर आगे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। लाइक मुबारकबाद है रब्बानी द स्कॉलर के मुंतजमीन, खास तौर से रिजवान रब्बानी साहब, और बच्चे जो यहाँ सीखते हैं तलबा, ये तमाम लाइक मुबारकबाद है। मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आप तमाम के साथ हैं। अल्लाह आपको मजीद तरक्की है और जो है कामयाबियों से नवाजे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।